तो उस टाइप की सी भी फोटो एडिट करने के लिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेंगे और इस वाले ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके इजीली आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, प्लस के आइकन पर ऐसे क्लिक करना होगा और कर लेने के बाद आपकी गैलरी की सारी फोटोज आप लोग के सामने शो हो जाएगा। तो जिस भी फोटो को आपको एडिट करना उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने तो करके ओपन कर लिया और इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं। और यहाँ पे आपका भाई एक छोटा सा बात को बताना चाहता है कि इस वाले वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताया है सीवी फोटो एडिट करने का। तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में गाइज हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे और कर लेने के बाद आप लोग के सामने ट्यून इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लेने के बाद मैं आपको कुछ सेटिंग को बताने वाला हूँ जिसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस की वैल्यू मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 33% कर लूंगा और ऐसे नीचे आके इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लूंगा और ऐसे नीचे आके इसकी सेचुएशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके ना मैं -30 कर लूंगा और नीचे आके इसकी अम्बाइंस की वैल्यू ना मैं ऐसे डिक्रीज करके -11% करके और सिंपल से मैं राइट क्लिक कर दूंगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से गाइज आप लोग को ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करना होगा, व्यू एडिट के आइकन और ट्यून इमेज पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। साइज आपका यहाँ पे 100% मिल जाएगा। फोटो को आप लोग ऐसे जूम कीजिएगा और जूम कर लेने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पे ना कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ कर देना होगा। याद रहेगा इस केवल आपको अपनी स्क्रीन पे ही इसे ड्रॉ करना है। मैं भी गाइज फटाफट से इसे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। ऐसे आप लोग को कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहां से बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अगर आप यहां तक वीडियो को देख लिए तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा, तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। सिंपल से गाइज इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे ऐसे टैप कर देंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कलर पैनल का लिंक दे दिया है, तो वहां से इजिली आप जाके उस वाले कलर पैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। और ओपन आप जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगेन कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो नीचे साइड में आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो बीच वाले पे क्लिक करके इसे सबट्रैक्ट करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट करके और साइज को यहां से इंक्रीज करके 100% करके फोटो को ऐसे जूम करके आप अपने कपड़े पे इसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं भी गाइस ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आगे का प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करता हूं। और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बता रहा है, तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो वसप गाइज ऐसे आप अपने पूरे कपड़े पे ड्रॉ कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करके बैक आ जाइएगा और बैक करते ही ना आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज हम लोग का तो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरे बैकग्राउंड को सीवी टाइप में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करना आगे आपका भाई बताएगा, तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। तो उसके लिए हम लोग पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे ऐसे टैप कर देंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाले बैकग्राउंड का लिंक दे दिया है, तो वहां से इजीली जाके उस वाले बैकग्राउंड को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वाले बैकग्राउंड को लेने के बाद आप लोग के सामने नीचे साइड में 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो इसकी ओपेसिटी के आइकन पे जाके ओपेसिटी को 100 करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। साइज आपका 100 मिल जाएगा। फोटो को आप लोग ऐसे जूम करके आपको अपनी बॉडी के साइड से कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ करना होगा और आगे आपका भाई ऐसे पूरा कर लेता है, फिर आगे का प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करेगा। और वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कभी फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे।
सो गाइज ऐसे आप लोग को ड्रॉ कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आना होगा, और बैक आने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से गाइज आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, अगेन पेंसिल के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और आप लोग के सामने एक पोर्ट्रेट का आइकन मिलेगा, तो इस पे आप लोग ऐसे टैप कर दीजिएगा और टैप कर लेने के बाद स्मूथ टू यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसकी क्या कीजिएगा ना, ऐसे नीचे के इसकी स्क्रीन स्मूथनेस को 100% करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा, और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद ना ऑल्ट वाल आपकी पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। अगर आप अपने हेयर को व्हाइट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया है, उस वीडियो को देख के आप अपने हेयर को व्हाइट कर सकते हैं। और इस फोटो को सेव करने के लिए डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके सिंपल सेव कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।